नमस्कार एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल फ्राई की रेसिपी। और इसको कहीं कहीं दाल की दुल्हन, कहीं दाल का दूल्हा इस तरह से भी बोलते हैं। तो मैं बहुत सिंपल वे में बना रही हूँ इसको। तो इसके लिए सबसे पहले तो अरहर की दाल को धो के करीब मिनिमम आधे घंटे तो रखना है, मैंने एक घंटे के लिए भिगो के रखा है क्योंकि मैं इसको हांडी में बना रही हूँ मिट्टी के, तो उसमें कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए और एक घंटा मैंने इसको भिगो दिया। अब ये भीग चुकी है और इसे मैं फिर अब हांडी में चढ़ा दे रही हूँ। तो जितनी भी दाल है उसका मैंने आधा कप दाल ली थी तो उसमें मैंने 2 कप पानी डाला है इसको कुक करने के लिए, और उसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक और फिर थोड़ा हींग। तो नमक जो है दाल की टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो चलेगा क्योंकि इसमें हम फरा डालने वाले हैं तो वो भी आटे का ही होता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है थोड़ा नमक। तो आप चाहें तो आटे में भी थोड़ा नमक मिला सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्लेन आटे का भी बना सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा गेहूँ के आटे की बनाई है और आधी मैंने रागी के आटे की बनाई है, तो रागी वाला प्योर नहीं लिया है, उसमें भी थोड़ा मैंने गेहूं का आटा मिलाया है। आप चाहें तो बाजरा वगैरह। अब जब तक ये दाल हमारी बन रही है उतनी देर में मैंने सारी टिकली बना के रख ली है, और इसको आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं इस तरह से, या बटरफ्लाई वाला शेप भी दे सकते हैं, या उसको सिंपली एक बड़ी रोटी बेल के उसको नाइफ से कट करके भी डाल सकते हैं बर्फी की शेप में। तो व्हाटएवर आपको जो इजी पड़ता है उस तरह से आप बना लीजिए। मैंने इस तरह से शेप दी है लंबी लंबी टिकली की शेप में, और इसको रख रहे हैं जब तक हमारी दाल उबल रही है। तो इसको मैंने आटे के ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल करके उसके ऊपर रखा है। अब ये हमारी दाल देखिए थोड़ा कुक हो गई है, तो ये हमारा हो गया है करीब 90%। तो इस समय हमने सारी जो टिकलीज बनाई थी और रागी वाली भी और प्लेन आटे की, दोनों मैंने एक साथ डाल दी हैं, और इसको फर्दर हमें 8 से 10 मिनट और कुक करना है। और हांडी में है तो बस इसको सिमर पे ही रखना है। अब एक बार जब उबलने लगे हांडी में कोई भी चीज़ आप कुक कर रहे हैं तो सिम पे रख दीजिए, वो धीरे धीरे उसकी, क्योंकि उसका बर्तन जो है ऑलरेडी इतना गर्म होता है तो वो बहुत अच्छा सा स्लो कुकिंग होती है इसमें। अब ये हमारा पक चुका है, आप देख सकते हैं दाल भी पक गई है हमारी अच्छे से और टिकली भी। तो इस स्टेज पे क्योंकि हांडी ऑलरेडी इतनी गर्म है तो हम गैस को बंद करके इसको थोड़ी देर वैसे ही रख देंगे, तो जो भी थोड़ा बहुत कसर है दाल में, कसर इन द सेंस कि अभी थोड़ी आपको अलग अलग दिख रही है, वो तब तक पक जाएगी। उतनी देर में हम तड़का तैयार कर ले रहे हैं इसका। तो उसके लिए घी लेना है, घी में जीरा, आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता अगर आपको पसंद है वो भी यूज़ कर सकते हैं, फिर लाल मिर्च, गार्लिक, जिंजर, फाइन चॉप किया हुआ अनियन एंड टोमेटो, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी एक एक करके सॉटे करते हुए। जब प्याज थोड़ा सॉटे हो जाएगा तभी आप इसमें टमाटर को ऐड करेंगे। तो ये हमारा प्याज भी तैयार है, और ये जो हमारी रेसिपी है एक तरह से फुल मील है क्योंकि इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, तो आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, और अगर पसंद है तो आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो ये तीनों टाइम की रेसिपी हमारी तैयार है और फुल मील के फॉर्म में आप इसको खा सकते हैं। तो हमारा प्याज तब तक हो गया है, तो अब हमने टमाटर ऐड किया है। तो टमाटर के साथ हमेशा थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम दाल में ऑलरेडी डाल चुके हैं, और इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने सांभर मसाला डाला है, वो भी चॉइस है, अगर आपको पसंद है सांभर मसाला तो ही ऐड करिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको पसंद है। और लास्ट में मैंने हरी मिर्च इसमें मैंने नहीं ऐड करी है, मैंने इसमें हरी धनिया डाला है थोड़ा, और वो भी हल्का सा सॉटे किया है कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब ये हमारी देखिए अब दाल इतनी देर से रखा था तो वो अपने आप ही बहुत अच्छे से घुल गई है, और इस समय इसमें हमने पूरा जो तड़का था वो ऐड कर दिया है, और ये हमारा बहुत ही टेस्टी दाल फ्राई तैयार है। इसको मैं अर्दन पॉट में ही सर्व कर रही हूँ।
ये बहुत बढ़िया है। इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको खा सकते हैं, और इसमें रोटी चावल और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फुल मील है। और एक बनाने का सिंपल तरीका भी है, आपको रोटी अगर आपको रोटी बनाने का मन नहीं है तो आप दाल ढोलकी बना सकते हैं, या फिर दाल का दूल्हा, जो भी आप इसको बोलते हैं। और इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिए, पसंद आता है तो लाइक शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।